उसी सीट पे बैठ के बोला है। तो मुझे अभी 4-5 दिन पहले बात हुई थी, लास्ट टाइम याद है तभी वो इधर बैठे थे, वो याद आ रही है। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा डाउन, यस थोड़ा सा और डाउन कीजिए, हाँ यस ठीक है जी, एक अकेला मेरे का भी ले, हाँ हाँ जी, एक ही बुके से काम चला ले और क्या। आप महिलाओं के ऊपर तो बोल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं फरीदाबाद आती हूँ तो मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है, और मैं राजेश जी से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और बस ऐसे मिलने आई हूँ, और मुझे तो बहुत ही हमें परिचित है कई सालों से, और मुझे अच्छा लगता है कि अभी सरकार भी बनी है, और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी एक ऐसे पद पे बैठे कि ताकि जनता को सेवा और कर सके। और दूसरी बात यह है कि फरीदाबाद के जनता इतना प्यार है देती है हमेशा हमारे लिए, और मन करता है कि हमेशा यहाँ पे आते रहो। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है आपने राज्यसभा में भी और संसद में लोकसभा में भी, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से हैदराबाद की कहानी है उसके बाद पूरा देश आक्रोश में है, क्या कहेंगे? ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हम महिला दिवस मनाते हैं लेकिन उसी दिन तक सीमित रहता है कि महिला दिवस मना दिया। हम राधा कृष्ण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, पुराणों में स्त्री को सम्मान देना है, ये बात हम हमेशा सुनते रहते हैं। इत्र नारिस्तु पूज्यन्ता तत्र रमन्ते रमन्ते देवता, जहाँ जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है वहाँ भगवान तदास्तु कहते हैं, वहाँ विकास होता है। लेकिन आज समाज कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, आखिर कितने दिन तक, कितने सालों तक हम हमारे बच्चों को बाहर स्कूल पे भेजेंगे, पढ़े लिखे उस बच्ची जो अगर काम करने जाती है क्या वो सुरक्षित है, ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। आज निर्भय केस में हम लोग पार्लियामेंट में, मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट की थी बिल पे, और हम लोगों ने कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मांग की थी, और हम कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन समाज में सोच बदलना ज़रूरी है। लोगों में हम लोगों ने देखा है कि कश्मीर में भी छोटी बच्ची को लेकर इस तरह ही जो अपराध किया था, तो बच्ची से लेकर बड़ों तक, मतलब लोगों ने उसी नज़र से देख रहे हैं कि जो औरत को ये दरिंदों ने जो जिस तरह का सुलूक कर रहे हैं ये समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और मैं एक औरत हूँ, मैं तो सांसद बाद में, पहले मैं औरत और एक माँ और एक बेटी हूँ, तो मैं भी डर, मुझे भी डर लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखने के बाद उसको मैं अगर रोजगार के लिए मैं बाहर भेजूँ क्या वो सुरक्षित वापस आएगी। तो आज निर्भया, सिर्फ निर्भया तक सीमित रहेगा यही सोचा था, लेकिन और एक निर्भया केस आ गई हैदराबाद में उस दरिंदों को, और वो माइनर से, इसके मामले में एक माइनर को किस तरह का सजा देना है या किस तरह का या कानून है हम सब जानते हैं, उसको सिर्फ 7 साल के लिए अंदर रखते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर वो पता नहीं किस औरत के ऊपर वो अत्याचार करेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ के जो कमिश्नर, और मैं चाहती हूँ कि कानून को कि इसको फास्ट ट्रैक में लाए और सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, एंड दे शुड बी हैंग टिल द डेथ, दिस इज व्हाट आई अपील उन लोगों को, मतलब कोर्ट में इन लोगों के लिए जो अपराधी हैं उनके तरफ से कोर्ट में लड़ने के लिए भी कोई लॉयर नहीं आना चाहिए, तैयार भी नहीं होना चाहिए।
क्या मानते हैं माइनॉरिटी की को जो परिभाषित करनी है वो दूसरी तरह से किया जाए, जिस तरह से माइनर को लेकर सवाल उठा। देखिए इसमें कानून को भी हम लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए, पार्लियामेंट में भी हम लोगों को नए जो कानून को लाना चाहिए कि माइनर को भी छोड़ना नहीं चाहिए, और इन लोगों को भी एहसास दिलाना चाहिए कि माइनर को अगर बड़े होने के बाद ये दोबारा इस तरह का जो दरिंदगी, दोबारा इस तरह के जो अपराध नहीं करें।